हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 12th ITI डिप्लोमा डिग्री धारक यानी सभी कैंडिडेट को यहां पर मौका मिलेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हों या फीमेल हों। हम आपको बता दें कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी यानी कि NSUT में ये रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई है। LDC, क्लर्क, UFC, स्टोनो और भी कई सारे वेरियस पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई भी इसका लिया जा रहा है। कैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किन पोस्ट के लिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बता दें कुछ इस तरह से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिलहाल मैंने इसका पोस्ट वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, वहाँ पर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और आवेदन आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है, चलिए हम आपको अपने वेबसाइट पे ले जाके सारी डिटेल आपको बता दें। टाइप करना है एके ऑनलाइन पॉइंट, उसके बाद कर लेना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे वेबसाइट आ जाएगी। कुछ इस तरह से आप टाइप करके ही आइएगा वेबसाइट पर, आप देख पा रहे हैं, और क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर दे देगा akeonlinepoint.com। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT दिल्ली रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है आपको बता दें फ्रेंड्स की, बहुत ही बेस्ट जॉब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं इस नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि यूनिवर्सिटी के बारे में, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की ये वैकेंसी है और ये यूनिवर्सिटी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं 126 रखी गई है। अप्लाई डेट यहाँ पर 27/6/2021 से स्टार्ट है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई का जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको और भी जाके नीचे देखने को मिलेगी। आवेदन 27/6 से है, लास्ट डेट इसकी 31/7/2021 है, ठीक है। भुगतान परीक्षा का शुल्क भी अंतिम तिथि 31/7/2021 है। परीक्षा के लिए जल्द आपको वेबसाइट पर अपडेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ग्रुप वाइज पोस्ट निकाली गई हैं, जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर 2000+1000 रुपये SC ST के लिए फ़ी देखने को मिलेगा। फिलहाल इन्होंने एग्ज़ाम फ़ी तो बहुत हाई फाई रख दी है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जो पोस्टें हैं डिप्लोमा डिग्री धारक की हैं। और जो ग्रुप सी वाली पोस्टें हैं वहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1200-800 रुपये तक का यहाँ पर चलान रखा गया है, और 400 रुपये भी रखा गया है, क्या है कि क्लर्क का, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर वैकेंसी विवरण आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क का LDC का यहाँ पर 35 पोस्ट रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 27 वर्ष रखी गई है। तो अगर आपको अभी भी टाइपिंग नहीं आती है तो आप घबराइए मत, आपके पास अभी भी समय है, आप आवेदन कर दीजिए और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम आपको बता दें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा यानी टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जूनियर स्टोनो का है, तो जो लोग स्टोनोग्राफी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं 12वीं पास होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट उसको टाइपिंग आना चाहिए यानी कि स्टोनो की। फिर यहाँ पर टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। और अब यहाँ पर अपर एज आप देख पा रहे हैं 27 ईयर रखी गई। इस तरह से अपर डिवीजन कलर का 8 पोस्ट यहाँ पर है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से होना चाहिए। इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट रखना होना चाहिए। पोस्ट नेम लाइब्रेरियन असिस्टेंट का देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस आर या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी में होना चाहिए, जिसकी एज लिमिट यहाँ पर 27 ईयर रखी गई है। और पोस्ट नेम जूनियर मैकेनिक का आप देख पा रहे हैं, जूनियर मैकेनिक का डिग्री डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद हेड कलर का यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इनके बारे में ज़रूर देखिएगा। असिस्टेंट स्टोर कीपर की एक पोस्ट है, जिसके लिए VA BTEC डिग्री रिलेटेड यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इस तरह से आप देखते जाएंगे। और हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स इसकी दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं।
अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और भी अधिक गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSUT क्या है, और ठीक है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सारी डिटेल हमने यहाँ पर इसकी रख दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या है, तो कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार फीस के बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, फीस यहाँ पर अच्छी खासी रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इन्होंने फीस तो कुछ ज़्यादा ही रख दिया है, फिलहाल क्या करें, और ये सारा खर्चा आपसे ही लेना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर एक ऑनलाइन पॉइंट सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सही और सटीक जानकारी पाने के लिए।